एक बार दुनिया में एक वायरल बीमारी फैलती है जिसकी वजह से खांसी, जुकाम और दम घुटने की शिकायत होने लगती है और लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इस बीमारी का इलाज किसी देश के पास नहीं होता। सारे देश और उनके प्रधानमंत्री उसका इलाज ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए होते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे इस वायरल बीमारी का इलाज ढूंढे। उस वायरस की वजह से दुनिया में सब तरफ त्राही मच जाती है, सारे काम धंधे बंद हो जाते हैं। उस बीमारी के कारण हॉस्पिटल्स में भी मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और अंत में सभी देश लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद सभी देशों में कई दिनों का लॉकडाउन लग जाता है। डॉक्टर साहब बचाओ, मेरा दम फूल रहा है, कई दिनों से खांसी जुकाम हो रहा है और सांस भी नहीं ले जा रही। लगता है तुम्हें वायरस का अटैक हुआ है। तुम जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ ताकि हम जल्दी से तुम्हारा इलाज कर पाएं और तुम्हारी जान बचा पाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं आज बल्कि अभी एडमिट हो जाता हूँ। उसके बाद मरीज वहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और डॉक्टर बाकी के कामों में लग जाते हैं, लेकिन वहाँ धीरे धीरे मरीज इतनी तेजी से बढ़ने लगते हैं कि डॉक्टरों को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ने लगता है। अरे भाई, जिस हिसाब और तेजी से ये वायरस बढ़ रहा है, लगता है कि कहीं हम ही लोगों को ये अपनी चपेट में ना ले ले। हाँ भाई, बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अभी किया भी क्या जा सकता है। लोगों को हमारी जरूरत है और ये हमारा फर्ज भी है। उसके बाद दोनों डॉक्टर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर को भी वही बीमारी वाले लक्षण आने लगते हैं और उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी भी हालत काफी खराब हो जाती है। मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मेरा दम क्यों फूल रहा है? लगता है मुझे भी इस खतरनाक वायरस का संक्रमण हो गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। हे भगवान, मुझे थोड़ी सी ताकत दो ताकि मैं अपने देश और लोगों के काम आ सकूं और इन लोगों की जान बचा सकूं। लेकिन उस वायरस के संक्रमण के कारण डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर मरने के बाद एक भूत बन जाता है। लगता है भगवान भी चाहता है कि मैं लोगों के काम आऊं, उनकी मदद करूं, लेकिन कैसे? अब तो मैं मर गया हूं, लोग मुझसे डरने लगेंगे। डॉक्टर का भूत ये सोचता हुआ जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते पर एक गुंडा दिखाई देता है जो कि एक आदमी को लूट रहा होता है। इस वायरस से किसी का फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, मेरा जरूर हो गया है। रोड पर भी कोई नहीं है और पुलिस भी अपने अपने कामों में लगी हुई है। जय हो वायरस की। अबे निकाल जल्दी से जो भी है तेरे पास। अरे गुंडे भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो भैया। मेरे पास बस थोड़े से ही पैसे हैं और मुझे बीवी बच्चों के लिए खाना लेकर जाना है। अब तुझे खाना लेके जाना है तो मैं क्या भूखा मरूं? चल जो भी है तेरे पास निकाल जल्दी से, नहीं तो मार दूंगा जान से। ऐसा कहकर वो गुंडा उस गरीब आदमी को चाकू मारने जा ही रहा होता है कि वहाँ डॉक्टर का भूत आ जाता है और उस गुंडे को जोर से लात मारता है। गुंडा दूर जाकर गिरता है। कौन है, सामने आओ। लेकिन डॉक्टर के भूत को सामने देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे। अब लूट दरिंदे, अब लूट। एक गरीब आदमी जा रहा है, उसको भी नहीं छोड़ना तुम लोगों ने। तेरे जैसे का ना होना ही इस देश के लिए सच्चा एहसान होगा। तेरे जैसों का ना होना ही इस देश पर सच्चा एहसान होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर का भूत उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और दूसरे आदमी को जाने को बोलता है। गरीब आदमी डॉक्टर के भूत के पैरों में गिर जाता है। डॉक्टर साहब, आप भगवान हो। जब तक आप जिंदा थे आपने हमारी रक्षा की और मरने के बाद भी हमारी रक्षा कर रहे हो। जय हो डॉक्टर साहब, आपकी जय हो। उसके बाद डॉक्टर का भूत आगे निकलता है। उसे वहाँ पर एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई दिखती है।
वहाँ पर दो लड़के एम्बुलेंस वाले से बहस कर रहे होते हैं। अरे भाई हटो रास्ते से, हमें जाने दो। इस एम्बुलेंस में वायरस का पेशेंट है और बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। हटो नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। हाँ तो बुला ले जिसको बुलाना है। तू जानता नहीं कि मेरा बाप कौन है? हम नहीं डरते इन फालतू पुलिस वालों से। क्या लोग हैं ये, कितने गैर जिम्मेदार। इतना भी नहीं समझ आता कि एम्बुलेंस को पहले रास्ता दिया जाता है। इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन पहले एम्बुलेंस को जगह दिलवानी जरूरी है। उसके बाद डॉक्टर एम्बुलेंस को उठाकर एक किनारे रख देता है और एम्बुलेंस वहां से चली जाती है। उसके बाद भूत उन लड़कों के पास जाता है। तू उधर एम्बुलेंस वाले को कुछ अपने बाप के बारे में बता रहा था ना, क्या तुझे पता नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है? आज मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा कि रोड पर चलते कैसे हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर उन दोनों लड़कों को बाइक समेत दूर फेंक देता है और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। दोनों लड़के भूत के पांव पकड़ लेते हैं। हमें मत मारो भूत जी, हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, किसी से भी गलत नहीं बोलेंगे और अपने बाप के नाम का गलत इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। बस इस बार माफ कर दो। इस बार तो माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम लोगों ने कोई गलत हरकत की या कोई भी गैर कानूनी काम किया तो मैं आके तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद डॉक्टर फिर से हॉस्पिटल की तरफ जाता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ कुत्ते और गाय रोड पर बैठे हैं। और वे सभी भूखे और लाचार हैं, क्योंकि सभी रेस्टोरेंट्स बंद थे जिनका बचा हुआ खाना कभी जानवर खा लिया करते थे। यह देखकर डॉक्टर का भूत काफी दुखी हो जाता है और सोचता है, सभी लोग सिर्फ अपना ही भला देख रहे हैं, कोई इन बेगुनाहों और बेजुबान जानवरों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जब भी कोई इस तरह की दुनिया में परेशानी आती है, सबसे ज्यादा परेशानी इन बेजुबानों पर होती है। हम सब अपनी और लोगों की जान बचाने में लगे रहते, लेकिन इन बेचारों के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। मुझे ही इनका कुछ करना होगा। इसके बाद डॉक्टर का भूत जाकर उन जानवरों के लिए खाना लेकर आता है और जानवरों के आगे डाल देता है। सारे जानवर उसे एक धन्यवाद वाली नजर से देखने लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर का भूत हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। भूत हॉस्पिटल में पहुंचता है। वहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। वहां किसी मरीज के रिश्तेदार एक डॉक्टर को मार रहे होते हैं। मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। मुझे मत मारो प्लीज। हमारा मरीज तेरे ही कारण मरा है, तूने ही उसका इलाज ढंग से नहीं किया, तूने ही मारा है। वे लोग डॉक्टर को मारने जा ही रहे होते हैं कि बीच में डॉक्टर का भूत आ जाता है। भूत को देखकर सारे लोग डर कर पीछे हो जाते हैं। डरो मत तुम लोग, लेकिन तुम लोग इस डॉक्टर की जान लेने पर क्यों तुले हुए हो? क्या तुम्हें इस डॉक्टर ने तुम्हारा धर्म या जात देखकर भर्ती किया था? एक डॉक्टर के लिए मरीज सिर्फ मरीज होता है, उसे मरीज की जाति धर्म या देश से मतलब नहीं होता। एक तो ये लोग इस मुश्किल समय में भी तुम लोगों के लिए अपने परिवार को छोड़कर और अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ काम कर रहे हैं, और तुम लोग इनका शुक्रिया करने के बजाय उनका अपमान कर रहे हो और मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर सभी लोग डॉक्टर से माफी मांगते हैं और चले जाते हैं। मैंने तुम्हें पहचान लिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम डॉक्टर राज है ना? लेकिन तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? चलो किसी ने तो पहचाना। हाँ मैं भी दूसरे हॉस्पिटल में इसी वायरस से बीमार लोगों का इलाज कर रहा था, लेकिन मुझे ही इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया और मेरी मौत हो गई। लेकिन लगता है भगवान भी यही चाहता है कि मैं कुछ और दिन नीचे रहकर अपने लोगों की जान बचाऊं। बस मरने के बाद मैं भूत बन गया हूं और लोगों की मदद कर रहा। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं और मिलकर और लोगों का इलाज करने लगते हैं। दोस्तों, डॉक्टरों को धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जो मरते दम तक इंसानों की सेवा करते हैं। हाँ ये भी सच है कि कुछ गलतियां सभी से होती हैं और कुछ गैर जिम्मेदार लोग भी हैं, लेकिन उनकी वजह से सबको एक कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
तो प्लीज रिस्पेक्ट डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल्स।